हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं तुलसी का प्लांट है और हम सबका घरों में तुलसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, आयुर्वेदिक गुणों के कारण भी और धार्मिक मान्यताओं के कारण भी। हमारे एशियन कंट्रीज़ में लगभग हर घर में तुलसी का पौधा आपको मिल ही जाएगा और इसकी बेहिसाब औषधीय गुण होते हैं। इसमें दो तरह की होती है बेसिकली ये तुलसी, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये श्यामा तुलसी है, लेकिन अभी इसके पत्ते ग्रीन ग्रीन हो गए क्योंकि ये यहाँ बॉम्बे में गर्मी काफ़ी पड़ रही है। अभी दिल्ली साइड तो अभी भी ठंडक का सा मौसम है, तो वहाँ पत्तियों पर ग्रीन कलर पूरी तरह से आ नहीं पाया है। तो यहाँ पर ये श्यामा तुलसी है। दोनों तरह की तुलसियों में श्यामा तुलसी में थोड़ा ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं और रामा में कम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रामा तुलसी नहीं लगाना चाहिए। दोनों तरह की तुलसी आपको लगाना चाहिए और दोनों ही बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं। और हमारे घरों में ऐसा कहा गया है कि इतनी ज़्यादा तुलसी पावरफुल और इतनी मतलब इम्यून बढ़ाने वाली होती है कि दिन में एक बार तुलसी के एक दो पत्ते तो सबको ज़रूर खाने ही चाहिए, ऐसा हमारे घरों में मान्यता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें आपको ये बताने वाली हूँ कि तुलसी को ज़्यादा घना और बहुत हेल्दी रखने के लिए हमें 5-6 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण हमारी तुलसी बहुत अच्छी रहती है। कई लोगों का ये होता है कि हम तुलसी लाए और थोड़े दिन में मर गई। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो तुलसी मरने का कारण होता है उसका कारण होता है ओवर वाटरिंग। हम लोग अपने तुलसी के पेड़ों में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, तो कायदे से तो वही फॉर्मूला होना चाहिए जैसे बाकी प्लांट्स के लिए है, टच ड्राई, मिट्टी ड्राई हो गई है तभी पानी डालें। लेकिन तुलसी में हम लोग रोज़ जल चढ़ाते हैं, उस चक्कर में डेली उसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुलसी की मिट्टी इतनी ज़्यादा पोरस और इतनी लाइट होना चाहिए, भुरभुरी, कि उसमें आप पानी डालें और तुरंत निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए आपको कि आप उसमें नॉर्मल सॉइल रखें 30% और कंपोस्ट रखें 30% और सैंड की मात्रा बढ़ा लें 40% सैंड रख लीजिए। तो तुलसी मतलब जो सॉइल होगी बहुत ज़्यादा पोरस हो जाएगी और सैंड जो होती है प्लांट के नमी भी देती है हल्की सी और पानी को निकलने के लिए ड्रेनेज का बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 2 पे आता है पॉट सिलेक्शन। पॉट सिलेक्शन में ये है कि प्लांट आप कभी भी लगाएं तो 8-10 इंच से छोटा गमला ना लें। तो अब लेकिन उसके साथ भी अगर छोटा सा पौधा है, जैसे कि ये भी बहुत छोटा पौधा है, समझिए 1 फीट का पौधा होगा, तभी ये इसको 6-7 इंच के गमले में लगा हुआ है ये, और अभी इसको कुछ चेंज करने वाली हूँ मैं, तब आपको दिखाऊंगी इसकी सॉइल वगैरह चेंज कैसे करते हैं। तो अभी इसको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो हम वेट कर रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तब इसको शिफ्ट किया जाए बड़े गमले में। तो पॉट थोड़ा सा बड़ा लें आप, तो लेकिन तब भी प्लांट के साइज़ का ज़रूर ध्यान। तो पॉट का साइज़ प्लांट के साइज़ के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात आ गई, आपने बड़ा गमला ले लिया और प्लांट छोटा है तो ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण फंगस अटैक होगा और प्लांट आपका मर जाएगा। फिर वही बात हो गई आपकी कि पौधा हम लाए थे और मर गया, ठीक है। इसलिए पॉट का सही साइज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट उसमें यह है कि जहाँ भी आप रखेंगे इसको कि इसको धूप में रखें, लेकिन जैसे स्कॉर्चिंग हीट जो होती है हमारे नॉर्थ में पड़ती है मई जून की, तो उसमें इसको ऐसी जगह रखें जहाँ से 2-3 घंटे की धूप मिल जाए तो सफिशियंट है। या आप शेड के नीचे भी रख सकते हैं इसको, जैसे ग्रीन मैश वगैरह बांध के रखते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं, है ना। और पानी इसमें जो नंबर 3 पे आता है पानी, तो पानी इसमें आपको वैसे तभी डालना चाहिए जब इसकी टॉप सॉइल सूख जाए, लेकिन क्योंकि हम लोग तो डेली इसकी पूजा करते हैं, पानी रोज़ डालते हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के बाकी पानी हम दूसरे गमलों में डाल सकते हैं। और विंटर्स में पानी इसमें 5-6 दिन के गैप से ज़रूर डालें, क्योंकि विंटर्स में ओवर वाटरिंग से तुलसी बहुत जल्दी मरती है, ज़्यादातर लोगों की ख़त्म ही हो जाती है। और नंबर 4 पे आता है कि इसमें फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, तुलसी में फर्टिलाइज़र आपको एवरी मंथ डालना चाहिए, जिससे कि इसकी पत्तों का साइज़ भी बड़ा होता रहे और इसमें ग्रीनरी इसकी बरकरार रहती है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइज़र आप यूँ तो आप इसमें गोबर का सड़ा हुआ खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मंथ में एक ही बार डालना है, डेली इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं अभी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, ये है ना, और ये साथ में मेरा ग्रैंडसन है वो भी डाल रहा है, शाश्वत।
ये देखो, बोल दो हेलो तो बोल दो शाश्वत। हेलो। चलो ये भी डलवा रहे हैं, मेरा वीडियो बनवा रहे हैं, इनके बिना तो काम अधूरा मेरा। तो 8-10 इंच के एक पॉट में 50-60 ग्राम खाद, काफ़ी है खाद डाल के। खाद डालने के बाद पानी ज़रूर डाल दें। डल गया भैया। नंबर 5 पे आती है पिंचिंग। पिंचिंग इसमें ज़रूर करते रहें, जहाँ से भी हम इसकी पिंचिंग करते हैं, जैसे पूजा के लिए हम पत्ते लेते हैं तो इसके टॉप से ही ले लीजिए आप, और दो पत्ते एक साथ तोड़ लीजिए। यहाँ से जितनी भी इसकी नोड्स हैं, इनसे नई ब्रांचेस निकलेंगी। नई ब्रांचेस निकलेंगी मतलब तुलसी आपकी घनी होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको रेगुलर करते रहना है। नंबर 6 पे आता है इसी तरह से मंजरी। अगर आप मंजरी इसमें लगने देंगे, मंजरी बनने के बाद फूल निकलेगा, फूल के बाद बीज बनेगा। बीज बनते रहने देंगे तो प्लांट अपनी सारी ताकत बीज बनाने में लगा देगा, और प्लांट की पत्तियां झड़ जाएंगी। प्लांट को लगेगा मेरा काम पूरा हो गया, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। तो इसलिए जैसे ही मंजरी आती हैं तो उनको तोड़ के निकालते रहें, और उनको कहीं इधर उधर ना फेंकें, गमले में ही डालते रहें, ठीक है। मंजरी निकालते रहने से आपके प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट इसमें आता है कि कीड़े मकोड़े। तो फ्रेंड्स इसमें समर्स में तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन विंटर्स में कीड़ों का बहुत अटैक होता है, ब्लैक एफिड्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेस्ट वही रहता है कि आप वो उसमें नीम ऑयल और डिश वॉश आधा आधा चम्मच लेके 1 लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे करते रहें, और शाम को स्प्रे करें, रात भर लगा रहने दें, लेकिन नेक्स्ट डे उसको पानी से अच्छे सा वॉश कर दें। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स जिनसे आप अपनी तुलसी को हरा भरा और काफ़ी घना बना सकते हैं। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।